अयान, R-A-I-Y-A-N, R-A-Y-A-N, रैयान। रयान। अच्छा हाँ रयान, अच्छा यहाँ पर अरहान आ रहा है इसलिए मैं बोला कि अयान। सो 96% कैसा फील हो रहा है? बस अच्छा लग रहा है। बस अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो एकदम टिपिकल आंसर हो गया, बस अच्छा लग रहा मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आ गए। है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गए, मतलब हाँ बहुत बार मैंने जो अभी तक जितने रिजल्ट आए उन्होंने तो ये बोला कि सर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आ गए, 1% 2%, लेकिन आप हाँ पहली बार बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया। हाँ तो मतलब कितना एक्सपेक्टेड था और क्या क्या कितने आए? बस 95%। कितने, 95 थे और हाँ कितने आ गए? 95.18। 95.80। अरे तो ठीक है, मतलब ज्यादा भी कुछ नहीं, जो आपने डिसाइड किया था वही उसके अकॉर्डिंग ही बराबर से आ गए। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर अचीवमेंट। क्या मचाया भाई, ताबड़तोब बिल्कुल, है ना? बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू। अरे बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू। तो मुझे ये बताओ कि पीडब्ल्यू से कहाँ से पढ़ा आपने? पीडब्ल्यू का मुझे मेरा भाई 12th में नीट दे रहा था, तभी मुझे पता चला पीडब्ल्यू के बैचेस है। फिर ओके मैंने पीडब्ल्यू यूट्यूब से स्टार्ट किया, सभी वन शॉट देखे, क्लास 9th की, क्लास 12th के, बायोलॉजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री, अच्छा, मतलब आप 9th क्लास से जुड़े हुए हैं। हाँ 9th क्लास से ही राइटिंग स्किल्स के वीडियो। ओके ओके। और 10th क्लास में यूट्यूब ने कैसे हेल्प करी आपको, स्पेसिफिकली मतलब पीडब्ल्यू की यूट्यूब? बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन सभी रीड कर लिए थे एग्जाम को जाने से पहले। अच्छा, वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले आपको मतलब यूजफुल, मतलब वो हो गए आपके फायदे के रहे? इसलिए साइंस में 99 मिल गए। 99। मैं पूछना चाहूंगा 1 मार्क कहाँ पे गया? 1 मार्क अच्छा रीचेकिंग के लिए मंगाएंगे तब समझेगा। तो मतलब कहाँ पर 1 मार्क गया होगा, क्या लगता है कि पार्ट 1 में या पार्ट 2 में गया होगा? पार्ट 2 में, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादातर चांस होते हैं मार्क कट करने के। अच्छा ओके ओके। लेकिन उसमें भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, 99। मतलब हाँ जनरली मैथ में जो है बच्चे वहां पर स्कोर्स करते हैं 99, लेकिन साइंस तक जाना 99, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो। साइंस में इससे पहले भी प्रीलिम्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे, 99, 100। ओके, तो मुझे ये बताओ कि जब आपने बताया कि 96% आए, कौन कौन था आपके आजू बाजू में? कौन था? आजू बाजू में अभी कोई नहीं है। कोई नहीं थे? क्यों, नहीं मतलब अकेले रूम में देखना था? ऐसे मन्नत मन्नत मांगी थी या क्या करी थी वैसे कुछ? नहीं पेरेंट्स बाहर गए। अच्छा, पेरेंट्स बाहर गए, तो फिर उनको जब आपने बताया कि मुझे 96% आए, जो मैंने बहुत एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ज्यादा, तो उनका रिएक्शन क्या था? खुश थे वो, मम्मी तो बहुत खुश हो गई। बहुत खुश थे। हाँ सो आज कुछ जलसा वलसा होने वाला है, पार्टी वार्टी होने वाली है, क्या होने वाला है? जलसा जलसा तो होके रहेगा। तो हो गया रहेगा, मचा के रहेंगे, मचा के आए तो हो गया रहेगा। वो सही अभी बात है के बेटा, सही बात है। लिए भी पीडब्ल्यू ले लिया है। अच्छा फिर चलो बढ़िया है, अगर पीडब्ल्यू ने बच्चे की हेल्प करी है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कि बच्चा यहाँ तक पहुंच रहा है, मचा रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है, बराबर है? इन शॉर्ट रमनाडम टाकता है, बराबर है? हाँ स्टेट बोर्ड के साथ सीबीएसई भी किया था, क्लास 9 न्यू, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की भी प्रिपरेशन की थी। ओके। अच्छा मतलब क्लास 9 के लिए न्यू बैच लिया। सीबीएसई बोर्ड की भी प्रिपरेशन की? हाँ क्लास 10 के लिए उड़ान। अच्छा हाँ, न्यू बैच होता है राइट, उड़ान। क्या बात है, मतलब वहां से आपने वहां से भी बैचेस ली थी और स्टेट बोर्ड का पूरा यूट्यूब से करा था हाँ और क्लास 11 राइट? अर्जुना। क्लास 11 का अर्जुना, अर्जुना नीट या जेई, फिर क्या लिया आप? अर्जुना नीट अभी प्रिपरेशन चालू। अर्जुना नीट लिया। अच्छा प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया भाई, हाँ रुक तो जाते, थोड़ा सा सफर तो कर लेते। नहीं 8 अप्रैल से चालू कर दिया, ऐसे ही चालू हुई। अच्छा मतलब नीट में भी फोड़ना है फॉर श्योर, हाँ वो भी पीडब्ल्यू फॉर से ही। श्योर। तो मुझे ये बताओ कि अभी तो आप सीनियर हो गए हो, तो आपके जो जूनियर्स हो गए तो उनको ये बताओ कि 10th क्या होता है, किस तरह से टेंशन लेना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए उसकी? प्रिपरेशन के लिए पहले तो बुक्स पहले पढ़ने चाहिए, फिर यस, उसके अपने स्टेट बाद बोर्ड की बुक्स राइट? स्टेट बोर्ड की भी, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से 70% तो एक्सरसाइज में से आते हैं क्वेश्चन, राइट हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। हाँ इसलिए एक्सरसाइज को 2 टू 3 टाइम्स रीड कर लेना है। और उसके ओके बाद ओके।
5 ईयर्स क्वेश्चन बैंक छोड़ा ली नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हमें पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन एग्जामिनर मतलब PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डालना चाहता है। मैंने चिक चिक के बोला था कि PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, राइट। 2018 से 2023 के सब PYQ सॉल्व किए थे, मॉडल पेपर भी सॉल्व किया था। अच्छा, और क्या बताओगे जूनियर्स के लिए? जूनियर्स के लिए तो यही कि PYQ अच्छे से सॉल्व करो, PYQ का पैटर्न समझो। ओके, और मतलब आपने पढ़ाई कितने घंटे करी? मतलब ऐसा होता कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 9 घंटे पढ़ना चाहिए, क्या ये सच है? नहीं, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। पढ़ने को तो बच्चे 15 आवर 16 आवर पढ़ लेंगे, पर कॉन्सेप्ट नहीं समझो तो क्या फायदा। एग्जैक्टली वही होता है कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारने से काम होता है क्या 10th क्लास में? रट्टा मारने से तो नहीं होगा, मतलब क्या होता, होता है नहीं होता है? मतलब हाँ, बायोलॉजी के लिए तो रट्टा मारना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर, जैसे लॉन्ग आंसर के रट्टा मारना पड़ेगा। गिव रीजन के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गिव रीजन, साइंटिफिक रीजन तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते उसके अंदर। एग्जैक्टली जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं लिख सकते, राइट। इससे पहले आप मैं पहले बुक रीड करता था, फिर PW का लेक्चर, फिर वापस से बुक रीड करना। अच्छा, तो PW के लेक्चर्स मतलब YouTube पे जो हमने वन शॉट डाले थे, ये डाले थे, आप वही से पूरा प्रिपेयर करते हो? सब वन शॉट देख लिए थे, फिर उसके बाद PYQ सॉल्व किए, फिर जो भी मुझे मिलता मटेरियल मिलता गया सॉल्व किया। अरे वाह, क्या बात है यार। मतलब अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो फिर भी इतना अच्छा स्कोर ला रहे हो, तो एक तो यहाँ पर फॉर श्योर हो रहा है कि ऑनलाइन स्टडी ये बेकार नहीं जाती, ऑनलाइन स्टडी बहुत यूजफुल होते हैं, राइट। ऑनलाइन स्टडी अच्छा है क्योंकि टाइम टाइम से होता है ज्यादा ज्यादा, और आप पढ़ना। एग्जैक्टली और ऑनलाइन में कैसे होता है कि यहाँ पर हम स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, जितना देखना है उतना ही देख सकते हैं, ना ट्रैवलिंग का यहाँ पर खर्चा, ना ट्रैवलिंग का यहाँ पर टाइम स्पेंड होता है, राइट, बराबर है। कोचिंग में भी इतने सारे बच्चे होते कि हमारा ध्यान नहीं होता। एग्जैक्टली तो आपका आपके जो स्टूडेंट सॉरी आपके स्टूडेंट है आपके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने भी कुछ PW का हेल्प लिया था, या फिर आप ही ने बोला कि नहीं मुझे पर स्कोर परसेंट करना है अच्छे से, मैं नहीं बताऊंगा किसी को? नहीं, फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स कहाँ से आते, फिर मैंने बता दिया मैं PW महाराष्ट्र से यूट्यूब के लेक्चर देखता हूँ, तो अरे उन्होंने भी 9th से ज्वाइन किया था। अच्छा, 9th से ज्वाइन किया था क्या उन्होंने? हाँ, हमारे स्कूल का फर्स्ट है 99.20%। अच्छा, तो उसने उसने भी क्या PW से पढ़ा था? हाँ, मतलब हमारे स्कूल के आधे बच्चे PW से ही पढ़े। अरे बाप रे, ये हमें नहीं पता था यार, ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना बड़ा मतलब PW हमारा महाराष्ट्र यहाँ तक पहुंच चुका है और बच्चों को सच में हेल्प हो रही है उससे। हाँ, अभी भी सभी जितने भी क्लासमेट थे उन्होंने 11th के लिए तैयारी शुरू कर दी है, अर्जुना टूर्नामेंट। अच्छा, तो आपका स्कूल कहाँ से, मतलब आप कहाँ से हो? बीड डिस्ट्रिक्ट। बीड डिस्ट्रिक्ट से, और स्कूल का नेम क्या है आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय आष्टी। अच्छा, आष्टी। हाँ, ओके ओके ओके। सो बाकी क्लासमेट्स का कैसा रिजल्ट है? आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा ना, पढ़ाई 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 करने वाले बच्चों का ग्रुप होगा? 100% 150 स्टूडेंट्स 90% से आगे। बाप रे, 150 स्टूडेंट्स। हाँ, 205 स्टूडेंट्स बैठे थे। मतलब ये स्कूल है या क्या फैक्ट्री है क्या, 90% टॉपर निकालने वाले की, मतलब क्या हो रहा है यहाँ? सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हमारे लेक्चर होते थे स्कूल। अच्छा, में, और फिर अच्छा, स्कूल वाले रोज टेस्ट सीरीज देते थे छुड़ाने के लिए। अच्छा, तो फिर तो मतलब स्कूल वालों का भी बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और उसमें भी ऑनलाइन में भी बहुत सारा सपोर्ट आपको मिल गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। और मैराथन मैराथन आपने कुछ ज्वाइन किए थे? नहीं, मैराथन नहीं किए थे, सिर्फ वन शॉट वो देख ली थी, क्योंकि अच्छा वन शॉट जो मार्क्स हमने बताए थे 1 मार्क 2 मार्क्स उसके पूरे देख लिए थे। हाँ, 1 मार्क को पहले पूरे क्वेश्चन। तो फिर क्या क्या कैसा था प्रिपरेशन 1 मार्क 2 मार्क्स और सभी 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन लिए थे, फिर उसके बाद बारकोड पेपर पे वो सब सॉल्व किए थे, फिर जो भी मिस्टेक होती थी उसको। अच्छा, मतलब एग्जाम हॉल में जैसी सिचुएशन होती है वैसे सिचुएशन आपने पहले क्रिएट की और उसके अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व करते गए, जैसे बारकोड पेपर पे आपने सॉल्व किया, सब सॉल्व किया, राइट, सही बात है। और कितने घंटे पढ़ाई करते थे भैया जी, ये बता दो पहली बात तो। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि तब कंसंट्रेशन अच्छा होता है और सब समझ में आता है। अच्छा, मतलब सुबह उठ के पढ़ाई करना आपके लिए मतलब एक बेनिफिशियल रहा, मतलब चीजें याद रहती है। अच्छा, चीजें याद रहती है।
और आपके मम्मी पापा ने किस तरह से हेल्प करी आपको? मतलब मेरी मम्मी तो ये है टीचर है, वो भी केमिस्ट्री सिखाती है, अरे वाह हाँ उनकी वजह से केमिस्ट्री में अच्छी ग्रिप मिल गई थी। केमिस्ट्री का तो कोई मतलब वादा ही नहीं है, वो तो एकदम परफेक्ट हो गया। ऊपर से हाँ फरहान वैसे सर ने तो भी यहाँ पर तोड़फोड़ मचा दिया, हाँ, ऊपर से मम्मी और स्कूल अलग है ना। पर स्कूल से ज्यादा पीडब्ल्यू नहीं। अच्छा स्कूल से ये स्कूल वालों को पता नहीं चलना चाहिए सही है नहीं तो इंटरेस्टिंग थे क्लासेस, हाँ, क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस मजा आता था क्लास में। मजा आता है। और उसमें भी आप मतलब क्या बोलना चाहोगे, किस फैकल्टी के बारे में बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे, मजा कैसे आता है, क्या आता है? फिजिक्स मतलब फिजिक्स वाला बेस्ट है सबसे अच्छा, वाला बेस्ट है। डिजिटल डिजिटल लर्निंग। अच्छा डिजिटल। लेकिन पीडब्ल्यू महाराष्ट्र में जहां से आपने 10th क्लास की प्रिपरेशन करी, बहुत सारे टीचर्स थे, 6-7 टीचर्स थे राइट, तो उसमें से क्या लगता है कौन से इसमें बेस्ट था, क्या था, कौन सा एक फनी मोमेंट होगा, क्या होगा कुछ तो भी? बायोलॉजी, बायोलॉजी में अच्छा बायोलॉजी मतलब कौन? बायोलॉजी मतलब हार्ड थी, पर वो पीडब्ल्यू वाले ने अच्छे से समझा दी, क्लियर एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट। कौन थे बायोलॉजी के सर कौन थे? मयूर सर, मतलब मेरी तारीफ मैं खुद से कर रहा हूँ इन शॉर्ट नहीं मतलब उसकी वजह से बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए। अच्छा चलो बढ़िया यार बढ़िया है। मतलब 96 तो हम बस ऐसे आंकड़ों में सुनते हैं, 96% आपने वो अचीव कर लिए राइट। हाँ तो ये मेहनत, ये आपकी साल भर की मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई राइट। हाँ और ऐसा कभी हुआ क्या कि आपका मतलब इंटरेस्ट चला गया होगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ना यार, बहुत पढ़ लिया अब मन नहीं कर रहा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं कभी होता था, क्योंकि नहीं, क्योंकि साइंस अच्छा लगता था उल्टा, मतलब अच्छा साइंस चला अच्छा फिर वो लगता साइंस अगर बोर होने लगा तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन छुड़ा लिए। अच्छा मतलब अल्टरनेटिव था आपके पास, एक तो मैथ नहीं तो साइंस, साइंस नहीं तो मैथ चल जाएगा, हाँ, फिर और सुबह एसएसटी और 4 घंटे इंग्लिश। SST के लिए भी ग्राफ्स के वीडियो देखे थे, मैप्स के वीडियो देखे थे, ऑल वीडियो। ओके और इंग्लिश का भी आपने कर लिया था। हाँ अरे यार बढ़िया यार, मतलब ऑनलाइन पढ़ के तो बच्चा मचा रहा है, और वो भी पीडब्ल्यू से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमें मतलब ऐसे सुनकर। हाँ और मतलब कुछ मेरे बताओगे? दोस्त हाँ हाँ आपके दोस्त। भी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। अच्छा मत क्या क्या आपके दोस्त क्या? मेरे भी दोस्तों को 95 के दरमियान ही है। अरे वाह बढ़िया बात है यार, मतलब उनको भी हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने हमसे पढ़ाई की हो या नहीं की हो, लेकिन एज अ टीचर हम उसको बोलेंगे कि बेस्ट विशेष, ठीक थैंक्स। है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, साल भर मेहनत करी राइट, हाँ है ना, साल भर मेहनत करी, बहुत अच्छा लगा कि ये यही होता है। और माँ बाप के चेहरों पे जो खुशी आती है जब अपन बताते हैं कि अरे 96%, अरे 95%, उसके बाद वो जो प्राउड फील करते हैं, बस उस प्राउड के लिए अपने वो काम करना, मेहनत करनी है, जी जान लगाते है ना, सिर्फ सही आपको बात है। अच्छा PYQ जो करेगा उसको अच्छे मार्क्स आने वाले। PYQ, तो ये एक सजेशन रहेगा कि PYQ जो करेगा उसको बेस्ट मार्क्स आएंगे, तो कुछ कैसे डालते सजेशंस हो? आपके तरफ से? अच्छा, बोर्ड वाले क्वेश्चन कहाँ से डालते हैं, आपको PYQ से समझ जाता है? अच्छा हाँ ये तो बात सही है, मतलब नेक्स्ट पेपर क्या होगा ये आपको पहले ही पता चल जाता है राइट। हाँ, फिर चैप्टर मतलब के वेटेज से आप पढ़ सकते हो, चैप्टर इम्पोर्टेंट राइट है इसलिए हम चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। राइट 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 ये तो है, मतलब इनडायरेक्टली आप पेपर लीक कर रहे हो पहले से PYQ देखकर नहीं, गेस क्वेश्चन पेपर निकाल लेते थे खुद यस करके। यस नहीं नहीं ये तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि ज्यादा से अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि यही करना चाहिए, PYQ सॉल्व करना चाहिए, और देखो रिजल्ट आपके सामने है ना, विथ हाँ 96%, सही बात है, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मस्त सेलिब्रेशन करो, अब अर्जुना बैच यस ले लिए तो नीट के लिए प्रिपेयर करो, नीट के लिए ना हाँ, नीट के लिए। बस, और नीट का रिजल्ट आने के बाद फिर से एक बार वीडियो कॉल होगा, ये प्रॉमिस मुझे करो, है हाँ करेंगे इस ना? बार, बिल्कुल अगली बार अलग फाउंडेशन से।
अलग पांडे सर से बिल्कुल करेंगे करेंगे भैया, ताबड़तोब रिजल्ट लाएंगे, एकदम बढ़िया से रिजल्ट लाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी आप? हाँ ऑफलाइन की थी, पर ऑनलाइन ऑनलाइन में टाइम भी सेव होता है और ट्रैवलिंग का भी। अच्छा, और हाँ ये तो बात सही है कि टाइमिंग टाइम भी सेव होता है ट्रैवलिंग का, मतलब वो एक्सर्शन नहीं होता है, माइंड सेट बराबर से रहता है क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं रूम में, सही बात है ना। यस, और लास्ट की 90 डेज में बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी एकदम। जी जान लगा के अच्छा, लास्ट के 90 डेज में मतलब कैसे, मतलब समझ में नहीं आया वो मुझे, 90 डेज मतलब। मतलब हर एक चैप्टर की पहले बुक रीडिंग करना करी थी, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन गूगल से मिलेंगे, एमसीक्यू, और फिर पीडब्ल्यू का वीडियो, और फिर अगर कुछ डाउट हो तो फिर स्कूल में पूछ लिया। अरे वाह, मतलब ये तो आइडियल प्रिपरेशन कर दिया यार आपने तो। क्योंकि 10th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें 11th 12th में भी लगते ही है। राइट राइट राइट, हाँ तो एक विजनरी स्टडी करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट, हाँ, क्योंकि सही बात है। 10th का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का धड़ा सेकंड वाला, ये राइट 12th में जाके हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। राइट राइट, काम में तो आता है वैसे, और मजे के साथ पढ़े थे हम लोगों ने, सही बात है। इसलिए फिर CBSE से कर लिया था पूरा प्रिपरेशन, न्यू के न्यू न्यू बैच, नॉन बैच, अभी 11th के लिए अर्जुना, लक्ष्य, चलो बढ़िया है यार, मतलब एकदम दे आइडियल स्टडी जिसको बोलते हैं जितने वैसे भी। आपने परफॉर्म किया था, राइट। क्योंकि 10th के बाद ही असली जिंदगी, 10th के बाद क्या, 10th अच्छे से पास होना बस चाहिए बस सिर्फ। ये तो है, क्योंकि हर एक होता है कि जैसे हम 10th पास करते हैं वो अच्छा स्कोर आ जाता है तो हमें आगे कुछ करने का एक मोटिवेशन मिल जाता है, राइट। सो वैसे ही धीरे धीरे अच्छे से हाँ स्कोर करेंगे और मोटिवेशन लेते जाएंगे और फाइनल गोल एक रीच कर देंगे, सही बात है। और फिर अब मैं जूनियर्स को कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो कोई नहीं, पर आप बेस्ट ऑफ 5 के रूल के हिसाब से आप 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स बना लो अपनी, जिससे आप अच्छे मार्क्स करते हो। बस बराबर है यार, ये तो सजेशन सही है, ये तो बढ़िया है कि अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो उसके पीछे रोते नहीं बैठना है, हमने 5 जो बाकी है उनके बारे में फोकस करना है, राइट। यस, एक पेपर सो गंदा गया तो आपका, उसमें क्या बात। आपके ऐसे जो बोलते हैं ना मुट्ठी वाला सब्जेक्ट कौन सा था, एकदम मुट्ठी में कौन सा सब्जेक्ट था आपके? मतलब साइंस में अच्छे थे, कभी भी साइंस में 95 के नीचे कभी भी नहीं आए थे प्रीलिम्स अच्छा, में। अरे वेरी वेरी गुड, और सबसे हार्डेस्ट कौन सा लगता था आपको? हार्डेस्ट तो मैथ ही था, फिर मैथ के लिए जितने भी प्रैक्टिस करी उतने अच्छे थे, इसलिए आज मैथ्स में 92 मार्क्स ले पाया। अरे वाह क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैंने कहा था, मैं हर बार कहता हूँ कि हाँ अभी आप बोलते हो कि टीचर से मिलना है, टीचर से मिलना है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि रिजल्ट लेके आओ, टीचर खुद दौड़ा आएगा आपकी तरफ, और देखो आज ये बात हाँ आ गई है या नहीं। यस, आपने पिछले साल भी कहा था। यस एग्जैक्टली, तो यही होता है कि हम टीचर अगर आ जाए रिजल्ट तो टीचर खुद ब खुद आए, तो ऐसे इमेज बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ अचीव करना पड़ता है कि टीचर खुद से आ जाए, और आपने वो कर दिए और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि 96% लाया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर, है ना। हाँ मतलब हाँ, YouTube पर भी जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ नोटिफिकेशन सब ये कर देना, क्योंकि अगर समझा गया ऐड आ गए तो लगे शॉर्ट देखने बैठ गए, तो सही बात है, सही वैसा ही बात कर है, पेरेंट्स को बोल देते हैं कि पढ़, और फिजिक्स वाला सबसे बेस्ट है जूनियर्स के लिए भी कहना चाहूंगा। ओके अच्छा चलो बढ़िया है बढ़िया है। ओके आपके साथ अभी कोई है? मेरे ब्रदर है, अरे तो बड़े या छोटे ब्रदर है, क्या मतलब कैसे? बड़े ब्रदर। अच्छा तो लाओ यार थोड़ा सा उनका भी नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन वो सुनते थोड़ा। उन्होंने ही बताया था पीडब्ल्यू के बारे में। अच्छा उन्होंने बता, गुड आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरहान। तो आप अच्छा आपके आईडी से इन्होंने ज्वाइन किया है, हाँ यस यस यस। ओके। तो आप क्या करते हो अभी? सर मैं MBBS में फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ अभी। अरे वाह MBBS, क्या बात है यार, कहाँ पर, कौन से कॉलेज में? अरे अंबाजोगाई, SRTR GMC अंबाजोगाई। वाह क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, आपकी तो अचीवमेंट और भी मतलब सर आंखों पर है वैसे देखा जाए तो।
एमबीबीएस में, थैंक यू सर। और छोटे भाई को भी आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, यस सर। तो कैसा करता था प्रिपरेशन, क्या था इसका? प्रिपरेशन तो मतलब पीडब्ल्यू के लेक्चर देखना, थोड़े नोट्स वगैरह बना लिए या फिर किताब पढ़ ली, यही कर रहा था। अच्छा, और एक्सेल सॉल्व के बस जो करते हैं नॉर्मली। तो आपने आपने सजेस्ट किया इसको कि पीडब्ल्यू का हाँ, या यूट्यूब चैनल है या फिर वहां से? तो मैं भी 9th-10th में डिस्कवर किया था लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि क्लास मतलब ऑनलाइन तो कुछ खास नहीं हो रहा था स्कूल का। तब मैं कि अच्छा है, मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने टू भी 9th-10th को पीडब्ल्यू कर दो। तो 96% आए, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है कि भाई अपने छोटे भाई ने मचा दिया पूरा यहाँ पर? फिर मतलब बहुत खुशी हो रही है, अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए। बहुत अच्छे मार्क्स थे सर, मतलब आपसे ज्यादा आ गए या आपसे कम आ गए फिर टेंथ के कंपैरिजन में? मतलब हमारे टाइम हमने तो सर पेपर ही नहीं दिए थे लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, अरे कोविड बैच, राइट। हाँ, कोविड बैच। चलो कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन सच में इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है कि 96%, वो कुछ छोटी बात नहीं होती है ना, उसमें यस भी सर। साइंस में 99%, वो भी ऑनलाइन से, यूट्यूब से, कोई भी बैच ना लेते हो भी उसने यूट्यूब से कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। एक यस, सो कीप इट अप, मस्त अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना। अभी अर्जुना बैच ले लिए है तो उसमें अच्छे से पढ़ो, और जब नीट का रिजल्ट आए तो हमें चांस दो कि आपसे फिर से एक बार हम बात कर पाए, ठीक है ना। और दो दो डॉक्टर तो एक घर से निकलना बनता है वैसे देखा जाए तो नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अरहान आपके लिए भी कि आप भी मेडिकल में हो, अच्छा लग रहा है वैसे देखा जाए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक चलो रेहान, चलो फिर थैंक यू सो मच एंड यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। थैंक्स। बाय सर। बाय। बाय बाय।